मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि आज क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। इस दौरान टीम को 16 किलो 100 ग्राम ड्रग्स हाथ लगी है। बाजार में इस ड्रग्स की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि अंटॉप हिल इलाके में 3 लोग ड्रग्स बेचने के लिए आने वाले हैं। जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक्शन लिया और ड्रग्स पेडलर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तीनों ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि इस गैंग को चलाने के पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मुंबई क्राइम ब्रांच और अन्य संस्थाओं की ओर से मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम सी शुरू की गई है और इसके सेवन, लेन देन और बिक्री करने वालों पर बारीकी से नजरें रखी जा रही है। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे एचएम न्यूज के साथ।